Yeah, good afternoon, Bhavani. Good afternoon. So, afternoon, ऑल गाइस जो भी अभी जुड़ेंगे और जो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं. सो दिस इज माय फर्स्ट मोटिवेशनल लेक्चर एट अन अकेडमी प्लेटफॉर्म. वैसे तो पिछले 20-22 सालों में बहुत सारे मोटिवेशन क्लासेस लिए हैं, मोटिवेशन लेक्चर लिए हैं, कई लोगों को मोटा कर करके, ताजा कर करके, एग्जामिनेशन में सिलेक्शन करवा के उनको अपने अपने गंतव्य स्थान, अपने अपने डिजायर्ड कॉलेज में पहुंचाया है. पर अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर ये मेरा पहला मोटिवेशन लेक्चर है. वेलकम टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन राठौर्स दुनिया. राठौर की इस दुनिया में आप सबका स्वागत है. आई होप कि आज के सेशन से आपको काफी कुछ जानकारियां मिल जाएंगी. एक सेशन में सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं होगा. डेफिनेटली इन रेगुलर इंटरवल आई विल टेक मोर एंड मोर मोटिवेशनल सेशंस विच विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू हु आर प्रिपेयरिंग फॉर अवर नीट एग्जामिनेशन 2021 में, जो आपको प्रॉपरली यूज होंगे. अभी इन दिनों की पढ़ाई की बेसिस पे ही फाइनल सिलेक्शन, फाइनल रैंक तैयार होती है. पिछले 2 साल 3 साल में हमने कितनी तैयारी की वो इतनी मायने नहीं रखती है. ये लास्ट डेज जो होते हैं, लास्ट 3-4 मंथ्स की जो रिवीजन और जो उसमें प्रॉपर टेम्परामेंट बनाने का जो तरीका होता है, दैट डिसाइड्स द रैंक, डिफरेंस इन द रैंक. तैयारी सब लोग कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, पर डिफरेंस ये लास्ट प्रिपरेशन पे निकलता है. तो यहां पर मैं आपको बार बार बहुत सारे मोटिवेशन सेशंस लूंगा इसके बाद, पर अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे ये मेरा पहला सेशन है. चलिए लेट मी सी हाउ मेनी आर देयर नाउ. ओके, ओनली भवानी इज देयर. डजंट मैटर, जो भी लोग होंगे ज्वाइन करेंगे या रिकॉर्डिंग में देखेंगे उन सबको बेनिफिशियल होगा, क्योंकि अभी बड़ा हैक्टिक ट्रैक चल रहा है. सभी क्लासेस आगे पीछे हैं, सबको अपने अपने पार्ट्स के अकॉर्डिंग क्लासेस अटेंड करनी पड़ रही है. तो माइट बी पॉसिबल बाय डिले दे विल ज्वाइन, डजंट मैटर. नाउ आइए स्टार्ट करते हैं. कुछ कुछ मैं टर्म्स ऐसे लूंगा, क्योंकि आप लोग नीट मेडिकल एस्पिरेंट्स हो, मेडिकल के स्टूडेंट्स हो, तो कुछ मेडिकल टर्म्स को ही मैंने ज्यादा इन्वॉल्वमेंट में रखूंगा, ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे, आप उसमें आंसर करेंगे फास्ट और उसी के अकॉर्डिंग हमारे कुछ पॉइंट्स डेवलप करते जाएंगे. ठीक है, ध्यान रखेंगे. पर मैंने सबको बोला था अभी तक क्यों नहीं ज्वाइन हुए हैं. डजेंट मैटर. भवानी आर यू स्टिल देयर? शो मी द थंब. भवानी, आर यू स्टिल देयर? भवानी आर यू देयर? चलो कोई बात नहीं, हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन. नाउ वी विल बिगिन अवर सेशन. बातें करेंगे, डेफिनेटली बातें करेंगे, पर बातें तो वो होती हैं जो सिर्फ कान तक पहुंचती है. बातें तो सिर्फ वो होती हैं जो सिर्फ कान तक पहुंचती हैं, पर भैये हम लोग यहां सिर्फ कान तक पहुंचाने वाला काम नहीं करेंगे.
We will not prefer only those dialogue which reaches to our ear only, which reaches to our ear only. जो सिर्फ हमारे कान तक पहुंचती हैं वो तो बातें बातें वो होती हैं जो कान तक पहुंचती हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअल बातें, कॉन्सेप्ट वो होती है दोस्त जो कान के टिम्परिंग मेम्ब्रेन से होते हुए, सेल से होते हुए, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम से होते हुए, डीएनए के थ्रू अपने जीन में पहुंचते हैं। जल्दी बोल गया। अरे मेरे भावी डॉक्टरों, फटाफट पकड़ में आना चाहिए था ये सेंटेंस, फटाफट, कि व्हाट आई सेड। फिर से बोलता हूं, बातें वो होती हैं जो कानों तक पहुंचे, बातें वो होती हैं जो कानों तक पहुंचे, लेकिन कॉन्सेप्ट वो होती है दोस्त जो कान के टिम्परिंग मेम्ब्रेन से होते हुए, सेल से होते हुए, न्यूक्लियस से होते हुए, क्रोमोसोम से होते हुए, डीएनए के थ्रू हमारे जीन में पहुंचती है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन, ऑल्दो आई एम नॉट अ बायोलॉजी टीचर, आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम अ इंजीनियर रे बाबा, आई एम अ मैथमेटिक्स पर्सन, पर पिछले 18-20 सालों में मेडिकल एस्पिरेंट्स को पढ़ाते पढ़ाते, मेडिकल टीचर्स के साथ बैठते हुए, बॉटनी जूलॉजी फैकल्टीज, इतने अच्छे अच्छे फैकल्टीज मुझे मिले, मेरा लक रहा है, इतने अच्छे अच्छे फैकल्टीज मुझे मिले हैं, उनके साथ बैठते हुए, उनकी बातें सुनते हुए, कई चीजों को हमने भी समझा है, कई चीजें उन्होंने हमसे फिजिक्स को समझा है, इसी तरह से आदान प्रदान चलता रहा, एक दूसरे का नॉलेज हम बढ़ाते गए। तो उसी के थ्रू मैंने इस बात को रखा है आपके, उनसे सुन सुनकर सुनकर, मैं तो सीखने की गुंजाइश कभी खत्म नहीं करता। 20 सालों से एक ही चीज पढ़ा रहा हूं, फिजिक्स सब्जेक्ट, पर स्टिल अभी भी इच्छा है और सीखना है, और कोई कहीं से बंदा मिल जाए जो मुझे इसका और कोई स्पेशल फंडा सिखा दे, मैं उससे सीख लूंगा, 100% सीख लूंगा, गारंटेड। सीखने की गुंजाइश कभी खत्म नहीं होना चाहिए। बुढ़ापा आ जाएगा, मरने वाली स्टेज पर रहूंगा, तब भी कुछ ना कुछ तो सीखूंगा 100%। मरने वाले स्टेज पे जहां बिस्तर पे लेटा होऊंगा, वहां पर भी देखूंगा आजू बाजू कौन लोग आ रहे हैं, कौन अपने फेस एक्सप्रेशन कैसे बना रहा है मुझे देखकर, वहां पर भी कुछ ना कुछ सीखूंगा अगले जन्म में वैसे फेस एक्सप्रेशन बनाने के लिए। ठीक, मरने तक सीखने की गुंजाइश कभी खत्म नहीं होती। नाउ लेट मी एक्सप्लेन व्हाट आई सेड। लुक, बातें वो होती हैं जो कानों तक पहुंचे, ठीक, पर कॉन्सेप्ट वो होती है जो हमारे कान के टिम्परिंग मेम्ब्रेन, पर्दा, कान में पर्दा होता है ना, टिम्परिंग मेम्ब्रेन। आई होप कि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हो, आप कुछ बहुत अच्छे से पकड़ में आ रही होगी। टिम्परिंग मेम्ब्रेन से होते हुए उसके सेल में पहुंचे हुए, टिम्परिंग मेम्ब्रेन में क्या होता है, सेल, सेल किससे बना हुआ है, के सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से किससे बने हुए, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के अंदर क्या है, हमारा डीएनए, डीएनए मतलब हमारा जीन, इसका मतलब कॉन्सेप्ट वो होती है जो हमारे जीन तक पहुंचे, पर कैसे पहुंचे वो चेन समझ में आया, हमें सिर्फ कानों तक इन बातों को नहीं पहुंचाना है, जो मैं बोलूंगा उसको बहुत अच्छे से ध्यान देना। फिर से मैंने बायोलॉजिकल टर्म में ही आपको ये बात समझाई है, तो आई होप कि अब आप आगे की बातों को उसी सेंस में लेते हुए अपने अंदर, अपने दिमाग में उसको अच्छे से स्थायी स्थान देंगे, परमानेंटली उसको सेट कर लेंगे, और अपने डेली रूटीन में बाय टुमारो, बाय राइट नाउ, जस्ट आफ्टर माय सेशन एक्टिवेट करना शुरू कर देंगे। ठीक, नाउ लेट मी सी हाउ मेनी आर देयर। गुड बाय सर, आई फील हैव अ फोबिया ऑफ फिजिक्स, एज सून एज आई रीड द क्वेश्चन आई गो ब्लैंक, व्हाट शुड आई डू सर। Fine, fine, fine. Doesn't matter, doesn't matter, doesn't matter. I am coming, I am coming. Coming to the point. चलो, अभी मीनिंग तो मैंने बता दिया कि मैं क्या बोलने वाला हूं, और उसको आपको आपके कानों में कहां तक पहुंचाना है। हम तैयारी किस एग्जाम की कर रहे हैं? एक छोटा सा पहले यहां पर पॉइंट आपको मैं क्लियर करूं, हम तैयारी कर रहे हैं नीट यूजी एग्जामिनेशन की। फाइन, पूरे इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 16 लाख, 16 लाख बच्चे इस एग्जाम में बैठते हैं, अप्रोक्सीमेटली 16 लाख। सीट्स कितनी है, सीट्स कितनी है, सीट्स अप्रोक्सीमेटली 80,000 के नियर सीट्स है।
अगर 16 लाख और 80,000 का परसेंटेज हम देखते हैं तो ओनली 5% सिलेक्शन रेट इज देयर। मेडिकल कॉलेजेस में इन 16 लाख बच्चों में से सिर्फ 5% बच्चों को ही एडमिशन मिलने वाला है। अरे 5% यानी एक बार में क्या बोल रहे हैं, 100 बच्चे अगर एग्जाम दे रहे हैं तो 95 बच्चे उसमें से फेल होने वाले। 95 स्टूडेंट्स विल गेट फेल्ड, ओनली 5 स्टूडेंट विल बी सिलेक्टेड। उस 5 में मुझे मेरा नाम लाना है, ये मुझे मेरा टेम्परामेंट पहले दिन से ही तैयार रखना है। और आई होप कि आप सबको ये पता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक। और अगर 100 में से 5 बच्चों में मुझे मेरा नाम लाना है तो अरे यार क्या जबरदस्त एडवेंचरस वर्क है, क्यों ना इस एडवेंचर को मैं एक्टिवेट करूं, प्ले करूं। इस एडवेंचर में मुझे उतरना ही होगा, इट्स अ ग्रेट एडवेंचर। हम खेलते हैं दोस्तों के साथ, क्रिकेट खेलने जाते हैं, फुटबॉल खेलने जाते हैं, हॉकी खेलने जाते हैं, वहां पर भी बार बार हम देखते हैं कुछ ना कुछ अपने मन में एडवेंचर क्रिएट करते हैं कि आज मैं जब दोस्तों के साथ खेलूंगा तो मेरी पारी इस तरह की होगी, बिल्कुल टिका रहूंगा, स्टंपर कोई हिला नहीं सकता, मुझे आउट नहीं कर पाएगा। एक सारी स्ट्रेटेजी, एक एडवेंचर डेवलप करते हैं। वही वही सीन यह हमारी नीट यूजी एग्जामिनेशन में भी आना चाहिए। 5% रेट, इसमें मुझे मेरा नाम चाहिए, 100 में से 5 बच्चे सिलेक्ट होने वाले हैं, इससे बड़ा एडवेंचर क्या होगा कि इस 5 में मेरा नाम आएगा। तो आओ लेट्स प्ले दिस एडवेंचर नाउ। इस एडवेंचर को खेलने के लिए अन अकेडमी प्लेटफॉर्म इज वेरी मच इक्विप्ड, बहुत सारे उसके पास अस्त्र शस्त्र हैं। वो अस्त्र शस्त्र आपको प्रॉपर तरीके से अपनी तैयारी में इस्तेमाल करना है। अन अकेडमी के पास बहुत कुछ है, और इंडिया के एक एक शहर से एक एक टॉप एजुकेटर, उसके एक्सपीरियंस और उसकी एक्टिविटी, उसका एक्टिवेशन एनर्जी, सब कुछ अन अकेडमी के पास है अवेलेबल आपको देने के लिए, आपको उसे यूज करना है। हाउ विल यूज दैट डिपेंड्स अप टू यू, कि आपकी विलिंगनेस क्या कहती है, आपका किलिंग इंस्टिंक्ट क्या है, जज्बा है कि नहीं। जज्बा बनाने के लिए कुछ ना कुछ हमें हमारे घर के आजू बाजू के माहौल से ही हमें देखना होगा, जज्बा लाने के लिए जज्बा पैदा होगा अपने आप। ये सारा जो फोबिया है कि सर प्रॉब्लम देखते से थोड़ा मैं डर जाता हूँ, वो डर अपने आप निकल जाएगा। उस डर के आगे जनरली होता क्या है यार, ये तो बहुत फेमस सेंटेंस है, डर के आगे क्या है रे बाबा, जीत है। डर के आगे जीत है, दो बार बोलो, डर के आगे जीत है, लिखो लिखो। डर के आगे गुड वाइब्स, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम, और एक बार राइट करो डर के आगे, इसके आगे का वर्ड तुम लिख के दो मुझे, डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है, लिखो गुड वाइब्स, व्हाट्स योर नेम, अपनी कीमत, अपनी लकीर, अपनी शार्पनेस, खुद को हमें बढ़ानी होगी, खुद को हमें बढ़ानी होगी, 100% बढ़ानी होगी। ध्यान रखें 5% सिलेक्शन रेट बहुत बड़ा एडवेंचरस वर्क है, और इससे अच्छा एडवेंचर मुझे तो नहीं लगता कि लाइफ में और कहीं हमें मिलेगा, सबसे जबरदस्त एडवेंचर वर्क मिल रहा है, ठीक। नाउ सुनो, डरना नहीं, डर के उसको फोबिया नहीं बनाना है कि सर मुझे प्रॉब्लम पढ़ते से ही उसको डर लगता है। अरे डर लग रहा है, इट मींस मैं उसकी कॉन्सेप्ट में नहीं उतर रहा हूं। जो मैंने मेरा पहला सेंटेंस कहा था कि हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ कानों तक सुन रहे हैं उसको, पर अगर मैं कॉन्सेप्ट को समझ रहा हूं तो वो कॉन्सेप्ट मेरे टिम्परिंग मेम्ब्रेन के थ्रू, टिम्परिंग मेम्ब्रेन मेरे कान के पर्दे के थ्रू, सेल्स से होते हुए, न्यूक्लियस से होते हुए, क्रोमोसोम के थ्रू, डीएनए के थ्रू मेरे जीन में बस जाना चाहिए। इस तरह से पढ़ाई करना, अंदर तक पहुंचाना है, मेरे रगों में बहना चाहिए हर कंसेप्ट, फिर मुझे प्रॉब्लम देख के फोबिया नहीं लगना है। अगर फोबिया लग रहा है तो मैं फिर बोल रहा हूं, आप अपने ऊपर पूरा विश्वास रखो, फैत रखो यार, नहीं मैंने तो तैयारी की थी, मैंने समझा था, फिर भी इस प्रॉब्लम को पढ़कर अगर मुझे फोबिया लग रहा है, इसका मतलब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का जो केस होना चाहिए था, जो पर्टिकुलर सीनेरियो, इसकी टेक्निकल अप्रोच जो बननी चाहिए थी, मेरे फैकल्टी ने मुझे प्रोवाइड नहीं की, दैट्स व्हाई आई एम अनेबल टू सॉल्व दिस विद इन 30 सेकंड, विद इन 40 सेकंड, विद इन 1 मिनट। अपने ऊपर दोष मत लो, अपनी मेहनत पे पूरा भरोसा रखो, ताकत है आपके अंदर, ताकत है, मैं फिर बोल रहा हूं, ताकत बहुत अच्छी है, समझो बात को। इट एज इट इज अ माय मोटिवेशनल लेक्चर, तो बीच बीच में काफी मोटिवेशनल एस्पेक्ट्स में लेकर आया हूंगा,
यहीं पर ही समझो, अपनी ताकत की बात को समझो, अपने आप को हम क्या समझते हैं, अपने अंदर की ताकत, समझना बात। देखो सोने गोल्ड गोल्ड सोने की कीमत बहुत होती है, मिट्टी की क्या है? कुछ भी कीमत नहीं, मिट्टी क्या है? अरे सोने की कंपैरिजन में मिट्टी क्या है? मिट्टी की तो कोई कीमत ही नहीं, मिट्टी तो ऐसी पड़ी हुई रोज मिल जाती है। सोने की बहुत कीमत है, मार्केट में जाऊंगा सोने का मुझे बहुत अच्छा रेट मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। पर भैये जब वो किसान उस मिट्टी के अंदर मेहनत करके सोना जब उगाता है, जो फसल उगाता है, वो भी तो सोने का काम करती है। मिट्टी से मैं सोना बना सकता हूं पर सोने से मिट्टी नहीं बना सकता है। डिफरेंस को समझो बात को, सीधे सोने के पीछे क्यों भाग रहे हो राजू? सीधे सोने के पीछे नहीं भागना है, मिट्टी से सोना बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। उस किसान को रात दिन लगना पड़ता है यार, शाम तक तो मेहनत कर ही रहा था, 8-9 बजे तक शाम को खेत में, फिर घर जाके थोड़ा खाना खाया सोया ही था कि वापस सुबह 4:30-5 बजे उठकर उसको जाके खेत में पानी देना था, सिंचाई करनी थी खेत में, क्योंकि वो उसी उसी समय पानी छोड़ा गया था गवर्नमेंट की तरफ से, उसी टाइम पे वो पानी को दे सकता था। तो इसका मतलब सिर्फ छोटी सी नींद ली और वापस 4:30-5 बजे वो खेत में पहुंच गया। हार्डली उसने सोया होगा कितना, 5 या 6 घंटा सोया था, ऑलरेडी दिन भर बहुत मेहनत की भी थी। उसके बाद वो सुबह 4:30-5 बजे उठ के उस खेत में पानी देने को गया, तब उसमें से सोना निकला। नहीं, मिट्टी को सोने में कन्वर्ट कर सकते हैं पर सोने को मिट्टी में नहीं, ये डिफरेंस है, समझो बात को। मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत से हर चीज कन्वर्ट होती है। आपका फोबिया निकलेगा जस्ट बाय प्रैक्टिस, जस्ट बाय प्रैक्टिस इन द प्रॉब्लम। पर चूंकि अब हम लास्ट मोमेंट पर आ गए, लास्ट मोमेंट यानी अब हमारे पास हार्डली 4 मंथ्स आ दिया, हार्डली 4 मंथ्स आ दिया, वो मेरे पिछले 2 साल 3 साल मैंने निकाल दिए हैं, जो मुझे पर चैप्टर 400 से 500 प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करनी थी, वो मेरे दिन अभी निकल चुके हैं। तो मैं उनके बारे में अभी सोच के अफसोस नहीं करूंगा। अभी मेरे पास ऑलरेडी फिर एक सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे मैं बैठा हुआ हूँ। यहाँ पर वो रेडीमेड मेहनत कराने के लिए सारे सेशंस लग रहे हैं, हर तरह का टीचर आपको अवेलेबल हो रहा है, उसकी फ्रिक्वेंसी को कैच करके उसको आपको अपने अंदर आत्मसात करना है, उसकी जो जो बातें वो बता रहा है टीचर। तो आपको दूसरी मेहनत तो अब करनी नहीं है, 400-500 प्रॉब्लम वाला सेल्फ एफर्ट अभी हो नहीं सकता, अब वो टाइम बचा नहीं है। तो सिर्फ हमारे लेक्चर्स को फॉलो करते हुए जितना होमवर्क हम दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप न्यूमेरिकल को ऑपरेट करो, ठीक। न्यूमेरिकल पढ़ते समय फोबिया जो हो रहा है, उस फोबिया को हटाने के लिए जब भी जिस टीचर का आप सेशन अटेंड करते हो, क्लास अटेंड करते हो, उनके सॉल्यूशन करने के टेक्निक को देखा करो। वो एक लाइन पढ़ते हैं और उसी समय वहां पर उसका गिवन डाटा लिखते हैं, व्हाट डज इट मीन, उसी प्रॉब्लम के ऊपर ही लिख देते हैं। आप देखा करो हर बार, जब भी मैं भी प्रॉब्लम बताता हूं, पहली लाइन पढ़ी उसका गिवन डाटा लिखा, दूसरी लाइन पढ़ी उसका गिवन डाटा लिखा, थर्ड लाइन पढ़ी उसमें देखा कि क्या पूछ रहा है, वो जो पूछ रहा है वो आइटम भी मैंने वहीं पर ही लिखा, फिर ऑप्शन को देखा कि अच्छा ऑप्शन में ये डाटा दिया है तो इसको मुझे इन्वॉल्व करना होगा, फिर मेरे को मेरी बत्ती जलती है। यानी शुरू में तो मेरी भी प्रॉब्लम पढ़ने के बाद 20-22 साल से पढ़ा रहा हूं, फिर भी बत्ती घंटी हिलती नहीं, बजती नहीं, बत्ती जलती तब है मेरी जब मैं ये सब लिख लेता हूं और उनको आपस में कोरिलेट करता हूं कि क्या क्या दिया था, क्या निकालना था और ऑप्शन किसके रिस्पेक्ट में दे रखे हैं, इन सारी लिंक्स को आपस में जोड़ता हूं, तब जाके प्रॉब्लम का मुझे एक आइडिया मिलता है कि ऐसे अप्रोच करूंगा, और फिर उसकी टेक्निकल पॉइंट मैंने बना के रखी हुई है। अगर अब मैंने नहीं बनाई हुई पिछले 2-3 साल में, तो अभी जो टीचर्स तुम्हें मिल रहे हैं इस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, उनके टेक्निक्स को रेडीमेड लेते जाओ, पर उसके साथ उसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगी थोड़ी, एटलीस्ट पर टेक्निकल टॉपिक 20 to 30 प्रॉब्लम्स तो मुझे लगाने होंगे। जैसे आज मैंने अभी सुबह इलेक्ट्रोडायनामिक्स का पार्ट 2 लिया था, तो बस उतने ही टाइप के जितना मैंने करवाया था उसी के हर टाइप के मैंने क्या क्या करवाया आज, उसमें मैंने लिया था इन मॉर्निंग सेशन आई टुक द हाफ पार्ट, रिमेनिंग हाफ पार्ट ऑफ द करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड फुल हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड हाफ पार्ट ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो सिर्फ इसी पर 20 20 20 प्रॉब्लम लगा दूंगा इन तीनों टॉपिक के जो मैंने समझे हैं, जो टेक्निक्स मैंने आज बताई है, सिर्फ उन्हीं टेक्निक्स के पर बेस सारे प्रॉब्लम कर दूंगा, क्योंकि ये हम हमारे एक्सपीरियंस पे बता रहे हैं कि इसी में से एग्जामिनेशन हॉल में अब तुमको क्वेश्चन मिलेगा।
फुल फ्लेज नहीं पढ़ाया। फुल फ्लेज पढ़ने के लिए मेरे रेगुलर सेशन माना होगा, जैसे मैं 11th क्लास के स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, 12th क्लास के स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ। जब 11th क्लास का स्टूडेंट होता है तो मुझे पता होता है कि इसके पास अभी पूरे 2 साल एग्जाम देने के लिए, 12th क्लास का स्टूडेंट होता है तो मुझे पता होता है कि इसके पास अभी 1 साल है। पर आप रिपीटर हो और रिपीट करने वाला ईयर भी आपका निकल चुका है, अब लास्ट फाइनल डेज है, तो इसमें जो टेक्निकल पॉइंट हम बना के दे रहे हैं अब आप उसी को फॉलो करो। जैसा हम प्रॉब्लम को अप्रोच करते हैं, जिस स्टाइल में हम प्रॉब्लम को अप्रोच करते हैं, उसी को फॉलो करो। मैं फिर बोल रहा हूं, अभी आज मैंने मेरा कुछ भी प्रमोशन नहीं लिया है क्योंकि मुझे मेरा मोटिवेशन ही देना था, तो मैं सारे प्रमोशन स्लाइड्स को तो आगे करता हूं। पॉइंट्स ध्यान रखो, मैं फिर क्या बोल रहा हूं कि जो टेक्निकल पॉइंट्स हम दे रहे हैं, टेक्निकल पॉइंट्स गिवन बाय एजुकेटर्स, गैदर देम। सबसे पहला पॉइंट, उनको गैदरिंग करो, उन टेक्निकल पॉइंट्स को अपने अकॉर्डिंग अपनी टेक्निकल कॉपी में फिर नोट करो, कन्वर्ट करो, कन्वर्ट 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 अपने क्रोमोसोम के थ्रू, डीएनए के थ्रू, मतलब सेल, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, ये वर्ड्स तुम्हें अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, तो उसको फॉलो करो, उन टेक्निकल पॉइंट्स को अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके, कन्वर्ट देम इनटू योर ओन वर्ड्स इन टेक्निकल कॉपी। देन पर डे जितने भी रिवीजन टॉपिक आप अटेंड कर रहे हो पर डे, अगर आज 4 टॉपिक मैंने अटेंड किए तो मिनिमम एटलीस्ट 20 20 प्रॉब्लम चारों टॉपिक के, फिजिक्स में ऐसे 4 टॉपिक, केमिस्ट्री में कुछ किए, 5 टॉपिक किए, मतलब हर टॉपिक के मिनिमम 20 प्रॉब्लम्स, मिनिमम 20 प्रॉब्लम्स, क्योंकि इससे ज्यादा करने का अब तुम लोगों के पास अभी टाइम ही नहीं बचा है। मिनिमम 20 प्रॉब्लम्स पर टेक्निक, टेक्निक ठीक कॉपी में मुझे सॉल्व करनी होगी। बिना प्रॉब्लम प्रैक्टिस के तो फोबिया कभी नहीं हटने वाला, ठीक, फोबिया कभी नहीं हटेगा। अब प्रॉब्लम को आप किस तरह से अप्रोच करते हो जरा उसकी बात करते हैं अपन। सुनो, आप रिवीजन किस तरह से लेने वाले, जब आप घर पे, जैसे आपको पता चल गया, पब्लिश तो पहले ही हो जाता लेक्चर, जैसे मेरा पब्लिश लेक्चर था इलेक्ट्रोडायनामिक्स पार्ट 2, तो आपके दिमाग माना था पार्ट 1 में सर ने करंट इलेक्ट्रिसिटी हाफ पार्ट तक लिया था, तो उसके आगे का लेंगे तो करंट इलेक्ट्रिसिटी रिमेनिंग हाफ, हीटिंग इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट का आपको अपना सेल्फ रिविजन करना था। पर आप सेल्फ रिविजन करने कैसे बैठते हैं समझो, फॉर्मूला मुझे क्लिक क्यों नहीं होते ठीक से। रिविजन करने का तरीका होता है, आप अपनी कॉपी, अपने पेजेस लेकर बैठो, डोंट टेक योर नोट्स कॉपी जो आपने पहले बनाई हुई है, डोंट टेक योर बुक्स जिसमें सारे तुम टेक्निक्स लिखे हुए हैं, सारे फॉर्मूला लिखे हुए हैं, वो सब मत दो, उनको तो छुपा के कहीं रख दो। अभी सीधे बस अपने ब्लैंक पेज लो, पेन लो, उठाओ। ध्यान रखो, ये बहुत अचूक अस्त्र है, मैं पिछले 20 सालों से कई बच्चों से लगवा चुका हूं, मेरे कई डॉक्टर्स तैयार है, अब वो अपने बच्चों को भी डॉक्टर बनाने की तैयारी कर रहे हैं, समझना इस बात को। आप जब भी रिविजन करने बैठोगे, अपने ब्लैंक पेजेस लो, पेन लो, आज मेरा टॉपिक लिखा मैंने मैग्नेटिक इफेक्ट, MEC, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो अब पिछले 3 सालों में मैंने इस चैप्टर पे जो कुछ पढ़ा है, आज मुझे उसकी, मुझे एक बड़ा टिपिकल वर्ड, आई विल यूज इट हियर, अ टिपिकल वर्ड, लेट मी यूज, जो भी मैंने पिछले 3 साल में पढ़ के रखा हुआ है इस चैप्टर के बारे में, आज मैं पहले इस ब्लैंक पेज पर मेरी उसकी औकात निकालू, उसका बेसिक स्टेटस क्या है राइट नाउ मेरे दिमाग में, वो निकालूंगा। रिवीजन करने का फॉर्मूला याद रखने का सबसे बेहतर तरीका, अब वो जो मैंने पेज ले लिया, मैंने पेज लिया, पेज पर स्टार्टिंग से, राइट फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट मैं सोचूंगा मैंने क्या क्या पढ़ा था, मैंने क्या क्या पढ़ा था, प्लीज मैं बता रहा हूं फॉर्मूला लिखने का तरीका, मैंने क्या क्या पढ़ा था उसमें से मुझे क्या क्या याद आ रहा है। सबसे पहले मैंने पढ़ा था बॉयड सेवर्ट लॉ, तो चलो बॉयड सेवर्ट लॉ मेरे मन से मैंने क्या पढ़ा था उसको वहीं को पेज पे लिखूंगा,
उसके सारे पॉइंट्स जो मैंने बनाए थे, बर्ड सेवर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म जो अक्सर वेक्टर फॉर्म में आता है एग्जाम में क्वेश्चन, वो मुझे याद आया कि नहीं, पर जो उस समय याद आ रहा है वो लिखते जाऊंगा, याद आया कि नहीं वो बाद में चेक करेंगे, पहले बिना देखे सब कुछ लिखूंगा। बर्ड सेवर्ट लॉ हुआ, फिर उसके बाद मैंने उस बर्ड सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग मैंने क्या बनाया था, स्ट्रेट लीनियर करंट कैरिंग वायर पे फॉर्मूले तैयार किए थे, डेरिवेशन किया था, तो वो फॉर्मूला मुझे डायरेक्ट याद आ रहा है कि नहीं, वो ब्लैंक पेज पे लिखूंगा। उस पर मैंने क्या क्या केस बनाए थे, दूसरी और टाइप के फॉर्मूले उस पर बेस्ड, वो लिखूंगा। जितना याद आ रहा है उसको ऐसे लिखते जाऊंगा पॉइंट वाइज, स्ट्रेट वायर के बाद सर्कुलर करंट कैरिंग वायर पे आ जाऊंगा, फिर फोर्थ पॉइंट में आ जाऊंगा सोलेनाइड पर आ जाऊंगा, फिर फिफ्थ पॉइंट में आ जाऊंगा टोराइड पर आ जाऊंगा, फिर सिक्स पॉइंट में आ जाऊंगा करंट कैरिंग सॉलिड पाइप, फिर मैं आ जाऊंगा सेवन पॉइंट करंट कैरिंग होलो पाइप, फिर मैं आ जाऊंगा करंट कैरिंग सिलिंड्रिकल शेल। तो बर्ड सेवर्ट लॉ पर इससे ज्यादा क्वेश्चन बनते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं बनते। वो जो रिड्यूस सिलेबस हो गया उस चक्कर में तो पढ़ना ही मत, बहुत ही बकवास तरीके से रिड्यूस किया, मजाक है वो मजाक बेटा, ऐसा नहीं हो सकता जिस तरह से रिडक्शन हुआ है। वो पेपर बनाने वाला बंदा तो एनी हाउ वो सारे पॉइंट्स भी कवर कर लेगा। मैंने लास्ट टाइम करंट इलेक्ट्रिसिटी के समय भी आपको समझाया था, मेरा रिविजन जब करंट का चल रहा था फ्री लाइव क्लास में, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि उन्होंने सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन सिलेबस में हटा दिया पर किरचॉफ नहीं हटाया। अब किरचॉफ लॉ क्या बगैर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन समझे पॉसिबल होगा क्या? तो इसका मतलब किरचॉफ का अगर न्यूमेरिकल वो पूछेगा एग्जाम में तो ऑटोमेटिकली सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन तो इन्वॉल्व हो गया ना, ऐसा हर चैप्टर में उन्होंने किया लगभग। तो फिजिक्स में तो आप कभी रिड्यूस सिलेबस के बारे में सोचना ही नहीं, तुम लोगों ने जो 3 साल से मेहनत कर रखी है वो पूरी तैयारी वैसी करके जाओ, सारी काम आएगी एज इट इज एग्जाम। ठीक, तो फिर आपने ऐसा करके पॉइंट टू पॉइंट उस ब्लैंक पेज पे जो जो याद आ रहा थे सारे फॉर्मूले लिखते गए। ठीक, फिर जब याद आना बंद हो गया, अब बस मुझे इस चैप्टर में इतना ही याद है, देन आई विल टेक माय ओन नोट्स कॉपी, वो नोट्स कॉपी निकालूंगा जो मैंने पिछले 2-3 सालों में मेहनत करके बनाई थी, और उस नोट्स कॉपी और बुक भी निकालूंगा, एक पर्टिकुलर बुक जिसको मैं फॉलो करता हूँ। ठीक, पर्टिकुलर बुक जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, जो भी बुक आप फॉलो कर रहे होंगे स्टिल अभी तक, वही बुक सामने रखूंगा और मेरे नोट्स कॉपी, और उसमें मैं चेक करूंगा क्या क्या मुझे नहीं याद आया। जो उस दिन याद नहीं आया था फॉर्मूला 100% गारंटेड है वो टेस्ट टाइम पे भी याद नहीं आता, वो मेन एग्जाम वाले दिन भी पेपर के सॉल्व करते समय याद नहीं आता, क्योंकि वो उस दिन याद नहीं आया था। आप लोग रिविजन क्या करते हो, उल्टा आप सीधे आओ चलो रिवाइज करें, आज मुझे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का रिवीजन करना, ओके निकाल कॉपी, नोट्स कॉपी निकाली और उसको दे, अरे हाँ ये मुझे आता है, अरे ये भी मुझे आता है, ओ ये भी मुझे आता है, यस 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 आई नो एवरीथिंग, मुझे सब आ गया, पढ़ लिया फटाफट, मेरा रिवीजन हो गया, और फिर सीधे जोर का झटका जोर जोर से दूसरे दिन जब टेस्ट देने पहुंचता हूं मैं रिवीजन के बाद, 2 दिन बाद 3 दिन बाद, उस दिन अचानक फिर किसी न्यूमेरिकल में वो कोई फॉर्मूला जो उस दिन देखा था बल्कि कॉपी में मुझे, वो याद नहीं आता, फिर वहां पर नर्वस ब्रेकडाउन होता है और वो एक फॉर्मूला मेरे आगे पीछे 3-4 फॉर्मूला और लुटा जाता है, मेरी जिंदगी उजाड़ सुनसान परेशान करके चले जाता है सिर्फ वो एक फॉर्मूला, क्योंकि मैंने रिविजन ही गलत तरीके से किया था। ये सबसे गलत तरीका, याद करो आपको बचपन में भी जब आप फर्स्ट सेकंड क्लास में थे तो आपके उस प्राइमरी टीचर ने भी यही कहा था लर्न करने का तरीका, क्यों भूल गए उस तरीके को, अभी फिर फॉलो करो, बड़े नहीं हो गए, जब तक मेरी लर्निंग चलेगी यही चलता रहेगा, यही चलता रहेगा, इसी तरीके से चलता रहेगा, बड़े हो जाओगे घर में कुछ फैमिली बन जाएंगी बच्चों के साथ आ जाओगे तब भी मेरी जो ऑफिशियल वर्किंग होगी उसको भी करने का तरीका यही रहेगा, उसका भी रिविजन ऑफिस वर्किंग का मेरा प्रोसेस यही रहेगा, इसी तरह से मैं लिखा करूंगा मेरी डायरी में, फिर मैं चेक करूंगा कि मुझे जो मुझे पेजेस दिए गए थे ऑफिस की तरफ से कि आपके टास्क ये हैं उसमें से कौन सा मेरे डायरी में नहीं लिख पाया, अगर मैं आज डायरी में लिखते समय छोड़ रहा हूं तो 100% मैं वर्क करते समय भी छोड़ता हूं उसको टैली करके, और फिर उस मेरी कॉपी को अपडेट करके मैं अपने ऑफिस में पहुंचूंगा तब जाके मेरे टास्क परफॉर्म बराबर हो पाएंगे। गेटिंग माई पॉइंट, इफ अंडरस्टूड देन शो मी द थंब। ना 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 भवानी, रोज वन वन करके नहीं, आज
आज मुझे फिजिक्स में जो भी मैंने लेक्चर अटेंड किए, जो भी जिसने भी किए, कहीं से भी किए, उसमें अगर मैंने सपोज टोटल नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट, सपोज 4 कॉन्सेप्ट को आज डील किया है, 4 कॉन्सेप्ट अलग अलग, ठीक, तो उन 4 कॉन्सेप्ट के इंडिविजुअल मुझे 20 20 यानी 80 प्रॉब्लम्स तो आज लगाने ही होंगे। है मेरे पास टाइम, मैं भी टाइम टेबल आपको बताता हूं, अभी उस पॉइंट पे आ रहा हूं मैं आपके पास। फिर अगर मैंने केमिस्ट्री में आज मैंने सपोज 3 कॉन्सेप्ट्स को डील किया है, तो उन तीनों कॉन्सेप्ट के 20 20 20 यानी 60 प्रॉब्लम उसके भी लेने होंगे। अगर मैंने आज बायोलॉजी में टोटल सपोज 8 कॉन्सेप्ट्स को डील किया है, तो उसके मुझे 20 के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 160 क्वेश्चन उसके लेने होंगे। बायोलॉजी में होते हैं ज्यादा क्वेश्चन तैयार, तो यानी टोटल मेरे पास पैकेज हो जाता है 80 प्लस 60 140 प्लस 160, 300 प्रॉब्लम्स का पैकेज हो जाता है एक दिन का। मेरा टाइम है, बिल्कुल है टाइम, क्यों नहीं है, मैंने लास्ट टाइम भी क्लास में भी बताया था, फिर बताता हूं। मुझे चाहिए मेरे पर डे 16 आवर्स, 24 आवर्स आर देयर, 24 घंटे हैं, देर आर लुक, ट्वेंटी फोर आवर्स आर देयर, जिसमें मेरे पास 6 आवर्स मुझे नींद लेना ही है, 6 घंटे की नींद ह्यूमन बॉडी के लिए मच इनफ। आप सब बायो वाले हैं, समझ में आती है आपको, ठीक। 2 आवर्स डेली वॉक के, डेली वॉक मींस उसमें सब कुछ आ गया, खाना पीना और सब कुछ, सब कुछ डेली वॉक। 2 घंटे से ज्यादा मुझे इसमें देना ही नहीं है, तो मेरे 8 आवर्स तो इसमें इन्वॉल्व हो गए। अब मेरे पास बचे हैं 16 आवर्स। इस 16 आवर को मैं, अब मैं मेरे फाइनल सेशन में आ चुका हूं, मेरे फाइनल सेशन में, फाइनल डेज में। तो जैसा हम पहले कहते थे रेगुलर डेज में, हम 11th क्लास के बच्चे को क्या बोलते हैं, 12th क्लास के बच्चे को, कि एक दिन में 2 सब्जेक्ट से ज्यादा कभी नहीं पढ़ना, पर वो उन दिनों की बात थी, उन दिनों की बात। अब ये इन दिनों की बात है, फाइनल डेज की। अब हम बड़े हो गए ऑलरेडी, तो अब हम 4 सब्जेक्ट डेली पढ़ेंगे, चारों, 4 आवर्स 4 आवर्स 4 आवर्स 4 आवर्स का पैकेज फॉर ऑल द 4 सब्जेक्ट्स, फॉर ऑल द 4 सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, फॉर ऑल 4 सब्जेक्ट्स 4 4 आवर का टाइम हमें रखना है। अब इस 4 आवर में ही आपके लेक्चर का टाइम भी आ जाएगा। आप लेक्चर्स को है ना, सिर्फ हमेशा सिस्टम के सामने मत बैठे रहा करो कि चलो आओ कुछ नहीं, बस लेक्चर देखते रहो, उसी में सीख जाऊंगा मैं, ऐसा नहीं होता, इट्स रॉन्ग। आप अपने टॉपिक जो चल रहे हैं लाइन में, उस टॉपिक में आज का दिन कौन सा टॉपिक लेने वाला हूं और वो किसके लेक्चर में आ रहा है, वो पब्लिश पहले से ही आपको हो जाता है, आपको पता है। तो आप किसी एक चीज को फॉलो करते हुए उसमें इस 4 घंटे में आपका अगर सपोज 1.5 आवर लेक्चर में जाता है, तो 2.5 आवर में आपके वो नंबर ऑफ प्रॉब्लम का प्रैक्टिस होना चाहिए, फॉर्मूला राइटिंग का प्रैक्टिस होना चाहिए। फॉर्मूला राइटिंग मैंने कैसे बताया, वैसी फॉर्मूला राइटिंग, पहले बिना देखे, बिना नोट्स कॉपी देखे, बिना अपनी बुक को देखे, अपने मन से सोच सोच के लिखना, मुझे उस चैप्टर में क्या क्या याद आ रहा है, मैंने क्या क्या पॉइंट्स बनाए थे, ऐसा लिख लिया। उसके बाद फिर अपनी नोट्स कॉपी से उसको कंपेयर किया, कौन कौन से पॉइंट मुझे लर्न याद आया ही नहीं कि ऐसा कुछ मैंने किया था, फिर उसको भी अपडेट कर लिया, वो हो गया आधे घंटे में काम हो गया वो पूरा मेरा। उस आधे घंटे के बाद जो अब 2 घंटा बचा है, उस 2 घंटे में मैंने जो 20 20 प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग 80 प्रॉब्लम करने का, आज किस दिन 60 का टारगेट होगा, किस दिन 100 प्रॉब्लम का भी टारगेट होगा, उस 2 घंटे में करना है। यानी एक 4 घंटे में मेरा लेक्चर का टाइम भी आ गया, मेरा रिवीजन फॉलो रिवीजन का टाइम भी आ गया, और मेरे सेल्फ स्टडी सेल्फ न्यूमेरिकल करने का टाइम भी आ गया। तीनों में डिवाइड करना है अपने को इस 4 घंटे को, इस 4 आवर्स को। ऐसे केमिस्ट्री के इस 4 घंटे को भी मेरे लेक्चर फॉलो रिवीजन प्रैक्टिस फॉलो तीनों में डिवाइड करना, बॉटनी के भी जूलॉजी के भी सेम वे।
स्ट्रिक्टली फॉलो करें, मैं बता रहा हूं स्ट्रिक्टली फॉलो करें। जिन लोगों ने इसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया है, जो सफल है, ये हमारे दिमाग की उपज नहीं है, ये भी हमने हमारे 20-22 साल में जितने बच्चे जो सिलेक्ट होते गए थे ना, उनसे हम जब पर्सनली बात करते थे, उनसे बुलाते थे, उनका हम जब इंटरव्यू वगैरह लेते थे, तो उनके आइडिया सुनते थे कि वो क्या कर रहे थे, उसके थ्रू ये एक्सपीरियंस डेवलप किया है हमने। यानी सफल लोगों के थ्रू ही हमने बनाया है। फिर जो हमने हमारी जिंदगी में देखा था, क्या मेरे ड्रॉबैक रह गए थे, अगर मैं ऐसा करता तो डेफिनेटली मेरा ड्रॉबैक नहीं होता, उसके थ्रू ये रिजल्टेंट क्राइटेरिया तैयार किया। तो प्लीज ये लास्ट डे, लास्ट फाइनल डेज को पढ़ने का जो टेबुलेट फॉर्म होता है, वो यही फॉर्मेट को फॉलो करते हैं सभी लोग। 16 घंटे हमें निकालने होंगे, 16 घंटे का मंत्र बांध लो, गली गली गांव गांव में बात पहुंचा दो, 16 घंटे, 16 घंटे प्रतिदिन, 16 घंटे एवरी डे, 16 आवर, गेट द प्रॉपर रिजल्ट आफ्टर माई एग्जामिनेशन आवर। एवरी डे 16 आवर, गेट द प्रॉपर रिजल्ट आफ्टर माई एग्जामिनेशन आवर। ये बात दिमाग में बांध लो। अभी हर दिन कितने दिन बचे? बहुत गिनती के दिन है, बहुत गिनती के दिन बचे। सर सर निकल जाएंगे, देखना हाथ से ऐसे निकलेंगे ये दिन, खटाखट। फेब गया, मार्च आया, अप्रैल आया, फटाफट जाएंगे ये दिन। पर रोज ही हम करते रहेंगे तो देखना फिर लगेंगे ये दिन थोड़े बड़े बड़े, लगेगा आई एम डूइंग समथिंग, आई एम डूइंग समथिंग। फिर नाइट में सोते समय, इन नाइट जब फाइनल आपका स्लीपिंग टाइम आएगा, उसमें से इसी 6 घंटे में से कुछ 15 मिनट आपको निकालने हैं, 15 मिनट इन नाइट। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये काम लोगों करते नहीं है, बड़े होने के बाद भी नहीं करते हैं। जो वर्किंग ऑफिस फील्ड के लोग हैं, उनको भी ये करना चाहिए कि आज दिन भर में मैंने काम क्या किया था, व्हाट आई डन, हाउ मेनी पार्ट्स आई डन, हाउ मेनी आई लेफ्ट विच इट वॉज सपोज टू बी डन टूडे ओनली। वो सारे पॉइंट को नोट करना अपनी डायरी में, क्या क्या मैंने सोचा था आज के दिन के लिए, उनमें से कितना हो गया और कौन कौन से पॉइंट नहीं हो पाए मेरे आज के दिन, उसको कॉपी में नोट करके नेक्स्ट डे अपडेट करना। बड़ी सुकून की नींद आती है, मैं फिर बोल रहा हूँ, ऐसा अगर कर लेते हैं ना हम रोज, बहुत अच्छी नींद आएगी। वो 5.5 घंटे जो बचेंगे उसमें सुकून की नींद, एकदम फ्रेश उठेंगे, क्योंकि मैंने कल का वर्क करके उसको अपडेट भी किया था, मेरी कॉपी में, मेरी रजिस्टर में, मेरे डायरी में नोट भी किया था कौन से पॉइंट रह गए। वो कल मैं एनी हाउ कहीं से टाइम निकाल के उन 4 घंटों में ही क्लियर कर दूंगा उन पॉइंट्स को भी, स्लैगिंग लैगिंग नहीं होने दूंगा। तो आई होप फॉर्मूला रिविजन का तरीका समझ में आ गया है, टाइम टेबल डिवीजन का तरीका समझ में आ गया है। आप इसको फॉलो करोगे, इसको फॉलो करते हुए ही आगे बढ़ोगे। यस हु इज देयर एनके, यस अंकित पांडे, ऋत्विक, यस ऋत्विक, डेफिनेटली 16 आवर। आहा भवानी, ठीक है, कुछ एडजस्टमेंट अगर कहीं से कुछ करवा सकते हैं, किसी की हेल्प ले सकते हैं तो ले लें, इन आखिरी दिनों में, सिर्फ 3-4 महीने के लिए करना है। एक छोटी सी बात, जो जनरल कहावत रोज रोजमर्रा की जिंदगी में हम देखते हैं, हमारे घरों में भी, आजू बाजू बाहर निकलते हैं रोड पे भी कई बार सुनते हैं, कई मालिकों ने अपने नौकरों से, अपने मालिक किसी दूसरे मालिक को कुछ कुछ बातें ऐसी बताते हैं, सुनते रहते हैं हम, कि जरूरत पे किसी को भी अपना बना लो, अपना काम निकालते आना चाहिए। माना है गलत है, पर हम गलत नहीं करेंगे ना। आज हम उससे अपना काम अगर निकलवाएंगे तो मन में एक बात ये भी संजो के रखेंगे कि यार इस बंदा या बंदी जिससे मैं मेरा काम निकलवा रहा हूं या निकलवा रही हूं, उसे रिटर्न दूंगा जरूर, मैं गलत नहीं करने वाला हूं, पर पहले तो उसे थोड़ा सा बेवकूफ चंदू बना के अपना काम निकालते आना चाहिए। थोड़ा सा टाइम खाना बनाने का कहीं से भी यूज कर सकते हैं। डेफिनेटली बहुत सारे बच्चों के साथ होगी ये प्रॉब्लम, बहुत सारे बच्चे हॉस्टल्स में रहते हैं, घर से दूर रहते हैं, वहां पर उनको अपनी मेस में भी जाना होता है खाने के लिए, वो टाइम 2 घंटे जो मैं बोल रहा हूँ वो 2 घंटे में पॉसिबल नहीं हो पाता है। जो हॉस्टलर बच्चे हैं, मैक्सिमम पूरे इंडिया में हॉस्टल जिंदगी में ज्यादा जी रहे हैं, गांव गांव से निकल निकल के बच्चे शहर में आते हैं, उनके मम्मी पापा साथ में नहीं है, तो उनके साथ एक ये प्रॉब्लम होती है। पर कोशिश करें कि ऐसा कुछ मेंटेन करें कि हमारा खाना हाथों हाथ, टिफिन हमारा घर पे ही आवे, हमें टाइम वेस्ट ना करना पड़े आने जाने का, किसी को
मैंने कहा ना, वक्त पड़े तो बना लेने का किसी को भी अपना, मैं वो वर्ड नहीं बोल रहा हूँ, टिपिकल, आई होप कि समझ में आ गया होगा, बना ले। पर फिर भी एनी हाउ अगर आपके पास नहीं बच रहा है 16 आवर, तो ठीक है ना, एक जब आपको लगता है कि मैं आज इतना इनपुट नहीं दे पाऊंगा, तो एक लोअर लिमिट तो फिक्स करा करो यार। आप क्या करते हो, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, बस अब मैं पूरा ही छोड़ दूंगा, आज आज मेरा मूड तो सिर्फ बॉटनी पढ़ने का हो रहा है, आज मेरा मूड सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ने का हो रहा है, ऐसा नहीं। आप एक लोअर लिमिट बना दो। अगर आपके पास 16 आवर नहीं मिल रहे हैं, आप सपोज 8 आवर्स के लिए ही अवेलेबल हो, एनी हाउ कहीं से भी कर लो, आपको 8 घंटे से तो मिलने नहीं वाला, बाकी टाइम कुछ और करना है, घर की कुछ तकलीफ है, घर में कुछ और, दूसरी प्रॉब्लम है, मुझे कुछ और भी करना पड़ता है, खाना बनाना है नहीं, कुछ और भी दूसरे काम हो सकते हैं, रहते हैं सबके साथ, पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ है, और सपोज सिर्फ 80 आवर्स मिल रहा है, अरे तो यार वो एनी हाउ इसको फिर क्या करें, चारों सब्जेक्ट ना ले एक दिन, फिर वो उसको 3 सब्जेक्ट में डिवाइड करें अपना टाइम टेबल, एक लोअर लिमिट तो फिक्स कर ले, 3 सब्जेक्ट में डिवाइड कर ले, डिवाइड करें कुछ इस प्रकार से, 3 आवर्स, 3 आवर्स एंड 2 आवर्स, ऐसा। अब दो एक दिन में 2 बार 3-3 घंटा मिलने वाला है, ठीक, 3-3 घंटा मिलेगा, तो इसके और ये 2 घंटा जो रहेगा वो एक अलग है, तो आप अपना शेड्यूल ऐसा डिवाइड करो पूरे वीक में कि ये 3-3 घंटा चारों सब्जेक्ट एक एक बार तो मिले रोज का, ये 3-3 घंटा एक एक बार, पर फिर दो जो प्राइम सब्जेक्ट जो तुमको बहुत ज्यादा टिपिकल लगते हैं, जैसे फिजिक्स है साथ में, सपोज जूलॉजी है, तो फिजिक्स जूलॉजी को 2 दिन एक्स्ट्रा 3-3 घंटे मिल जाए, भाई 4 दिन तो रोज 3-3 घंटे में बांट रहे हो ना इन चारों सब्जेक्ट को, फिर 2 दिन जो बच रहे हैं उन 2 दिनों में क्या करो, अपने जो ज्यादा हार्ड चैप्टर है, सब्जेक्ट है, उसी में ये 3-3 घंटा रखो, पर एनी हाउ एक लोअर लिमिट बनाओ, छोड़ो मत चीजों को, 8 घंटा अवेलेबल है तो 8 घंटे के हिसाब से डिवाइड करो, किसी के पास 10 घंटा है, जैसे भवानी सेठ, मेरे पास 10 आवर्स अवेलेबल है, तो आप इसको 10 आवर्स है तो 3 सब्जेक्ट ही लो, पर डिवीजन कैसा रखो, 4-4-3, सॉरी 4-4-2। अब इस डिवीजन में डिवाइड करो कि इस 4-4 घंटे में 4 दिन तक चारों सब्जेक्ट को बराबर मिलते रहें, और 2 दिन जो स्पेयर और मिलेंगे उसमें मेरे हार्ड सब्जेक्ट, कोई से भी 2 हार्ड सब्जेक्ट को डाल दूंगा इस 4-4 घंटे में, एनी हाउ डिवाइड करूंगा, तो एक दिन में 3 सब्जेक्ट का टाइम टेबल रखो, पर जिनके पास सब कुछ अवेलेबल है वो तो प्रॉपर 16 आवर का टाइम यूज करेंगे, एनी हाउ दे हैव टू यूज 100%। ऋत्विक डेफिनेटली इसमें ओ करने की जरूरत नहीं थी अंकिल, ऋत्विक एंड भवानी जी जान लगा देंगे अभी से, अपने 100% देंगे सर, डेफिनेटली यू हैव टू गिव। अरे यार समझो बात को, इतना छोटा एक एक लॉजिक समझो, एक लॉजिक, छोटा सा लॉजिक है, ये 4-5 महीने मेरे अगले 50 साल बना रहे हैं, तो क्यों ना मैं चूर कर मेहनत कर दूं इस 4-5 महीने, अरे सस्ता सौदा यार, बहुत सस्ता, 4-5 महीने इक्विवेलेंट टू 50 ईयर्स, नेक्स्ट 50 ईयर्स, अगले 50 साल पूरे, इन 4-5 सालों की मेहनत जितनी भी मैं कर सकता हूं, अगर करने के बाद मुझे एक अच्छा प्लेसमेंट, एक अच्छा कॉलेज में, गवर्नमेंट सीट पर मेडिकल कॉलेज मिल जाता है, मेरे पेरेंट्स को भी सुखी हो जाएंगे, ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, गवर्नमेंट सीट पर मिला है, प्राइवेट में नहीं गया है, ठीक, दूसरा उसके बाद वहां उस गवर्नमेंट सीट के कॉलेज पे अगर मिला है, एक अच्छा कॉलेज मिला है, तो वहां मुझे प्रोफेसर अच्छे मिलेंगे, डॉक्टर्स अच्छे मिलेंगे, जो मुझे प्रैक्टिस बराबर करवाएंगे, मुझे एक अच्छा डॉक्टर बनने में प्रॉपर हेल्प करेंगे, मैं वहां से अगर एक अच्छा डॉक्टर बन के निकलता हूँ तो मुझे मेरा प्लेसमेंट, मुझे मेरा जॉब भी एक अच्छा मिलेगा कहीं ना कहीं किसी हॉस्पिटल में, एमडी के लिए मुझे अच्छी प्लेसमेंट मिलेगी, मुझे कहीं ना कहीं मास्टर डिग्री के लिए, अगर वो करके मैं निकलता हूँ तो उसके बाद डेफिनेटली मेरी जो इकोनॉमिक लेवल होगी बढ़ चुकी होगी, मॉनेटरी लेवल मेरा बढ़ चुका होगा, तो डेफिनेटली मुझे, अगर मैं छोकरा हूं तो छोकरी अच्छी मिलेगी, अगर छोकरी हूं तो छोकरा अच्छा मिलेगा, और अगर मेरा पार्टनर मुझे अच्छा मिलेगा तो डेफिनेटली उस पार्टनर के साथ मेरी लाइफ सूटेबली आगे बढ़ेगी, फिर मेरे बच्चे भी अच्छे होंगे,
उन बच्चों का एजुकेशन में प्रॉपर करवा सकूंगा, उनको बड़ा करूंगा अच्छे एजुकेशन के साथ। बोलो कितने साल हो गए टोटल? हो गए 50 साल, पर किसकी बेसिस पे? अभी के इस चित 4-5 महीने की बेसिस पे, ओनली दिस 4-5 मंथ्स, ओनली दिस 4-5 मंथ्स। 4-5 महीने अगले 50 साल, 4-5 महीने अगले 50 साल, ये गूंजते रहा करो अपने दिमाग में, गूंजाते रहना ये बात, 4-5 महीने अगले 50 साल, 4-5 महीने अगले 50 साल, 5 महीने में आओ 50 साल जिंदगी बनाओ, 5 महीने में आओ अगले 50 साल की जिंदगी बनाओ, ऐसा मन में बोलते रहो, स्पिरिट लाएगी। थोड़ी भी थकान हो रही हो दिन में, ऐसा लगे कि नहीं यार मैं कैसे कर सकता हूँ 16 घंटे अभी, अरे करना पड़ेगा, कर रहे हैं पूरे इंडिया में, तुम ही नहीं कर रहे हो, तुमसे पहले कई सालों से कई हजार बच्चे, कई लाखों बच्चे, कई करोड़ों बच्चे, कई अरबों बच्चों ने ये सारा काम किया है। उनके पास तो समय से फैकल्टीज ऐसे प्लेटफॉर्म भी नहीं थे कि तरह तरह के टॉप फैकल्टीज उनको एक बार में मिल सके। वही एक स्कूल में जाते थे, जो स्कूल का फैकल्टी, स्कूल का टीचर था, वही उसको प्रॉपर बस इतना गाइडेंस देता, उसी गाइडेंस की बेसिस पर फिर वो मार्केट में जा जाके, बुक स्टॉल में जा जाके, बुकों में से अपना निकाल निकाल के लाते थे जो भी स्टफ चाहिए होता था, और उस बुक में से स्टफ लेने के बाद अपने नोट्स कॉपी में डालते थे, खुद ही मेहनत करते थे। अब बहुत कुछ सुविधाएं हैं, तो इस कारण एग्जाम पैटर्न भी डेफिनेटली थोड़ा चेंज, थोड़ा क्या, बहुत कुछ चेंज हो गया। ऐसा पैटर्न हमारे टाइम पर होता तो हम लोग बिल्कुल नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी सोच, हमारी फ्रिक्वेंसी उतनी नहीं थी। पर आज के बच्चे की फ्रिक्वेंसी, नंबर ऑफ थॉट्स पर सेकेंड बहुत अधिक है, बहुत अधिक है, समझो बात को। वक्त बदला है, हम बदले, पर उतना ही जिससे मेरे बच्चे इतिहास बदले। वक्त बदला है, हम भी बदले, है ना, ध्यान रखें। कौन कौन है अभी? भवानी, यस, अंकित। वक्त बदला, हम बदले, पर उतना ही जिससे मेरे बच्चे इतिहास बदले। जो जो बच्चे मेरे नाम पे सिलेक्शन हुए हैं, जिन्होंने मेरे नाम को मार्केट में पहुंचाया है, स्टेब्लिश किया है। मैं सिर्फ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर अभी आया हूं, ऑनलाइन ऐसा नहीं है, मेरे वीडियो लेक्चर्स बहुत फेमस है। यू कैन टाइप माय नेम अनिल राठौर फिजिक्स लेक्चर्स, यू विल सी। और बहुत सारे बच्चे आज तैयार हैं, बहुत सारे फैकल्टीज हैं जो मुझे फॉलो करते हैं, जो मेरे नोट्स के थ्रू पढ़ा रहे हैं। तो ये जो चेंजेस मेरे अंदर आए हैं, वो हर अपने किसी ना किसी हर साल के बच्चे से, जो सिलेक्टर बच्चे थे जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनके एक्सपीरियंस को गेन कर करके आए हैं, मन से नहीं आए मेरे, उनको देखकर कि हाँ इससे मैंने ऐसा करवाया था, इसने अपने आप अपनी तरफ से और एक नया इनहेंसमेंट करके और उसको इम्प्रोवाइज करके अपना रिजल्ट इस तरह से बनवा लिया, उसके एक्सपीरियंस को सीखकर मैंने फिर अगले साल दूसरे बच्चों को अपने नाम से देना शुरू किया कि हाँ ये मोटिवेशन मैं दे रहा हूं। बल्कि अल्टीमेटली ये मोटिवेशन पिछले 20-22 साल के बच्चों से सीखा हुआ मोटिवेशन है मेरे, मेरे मन से नहीं आया है। मुझे हर इंसान अपने से किसी ना किसी दूसरे से सीखता है, मैं सीखता हूं, मैंने शुरू में कहा सीखने की गुंजाइश मैंने कभी खत्म नहीं की, आपको भी सीखना होगा, ध्यान समझो। एक छोटा सा एक छोटी सी कविता है, जरा सुने उसको समझे। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, पर अब इस सेंटेंस में एक लिमिटेशन है, मेरे पास कल ज्यादा नहीं है, सिर्फ आज का एक ही कल है, मैं फिर कल वाले को और कल नहीं कर सकता। आई एम ए रिपीटर, एक साल मैंने मेरी जिंदगी दांव पे लगा दी है ऑलरेडी, अब मैं और नहीं लगा सकता। तो इस सेंटेंस में सिर्फ एक ही कल है मेरे पास, फिर से बोलो। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, अर्जुन सा लक्ष्य रख निशाना लगा, मरुस्थल में से फिर जल निकलेगा, मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर में भी फिर से फल निकलेगा, निकलेगा। पर बच्चे, मैं समझता हूं कि हर साल जो बच्चे सिलेक्शन होता है ना, उनके लिए ये लाइन बहुत अप्रोप्रिएटली फिट होती है, ये लिखने पढ़ते समय या कहीं लिख देने से ऐसा लगता है अरे यार ये तो सिर्फ बोलने की बात है, ऐसा कोई होता है क्या बंजर? और रियली जब मैं सोचता हूँ कि जिन बच्चों ने कमाल कर दिखाया, यार मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं, राहुल जोशी इन 2003 इन इंदौर मेडिकल की तैयारी, अरे 3 साल तक तैयारी करता रहा, उस समय तो 4-4 साल के बच्चे भी ड्रॉपर आते थे यार, अंकल आंटी हो जाते थे। पर उसके घर में उसके पापा शायद डॉक्टर थे, डिस्पेंसरी थी उनकी, तो एनी हाउ दे वांट कि यार ये बच्चा मेरा डॉक्टर बनेगा,
राहुल जोशी। तो फर्स्ट ईयर में फिर वापस कुछ मार्क्स से उसको गवर्नमेंट सीट लेना मिलते मिलते रह गई। सेकंड ईयर में भी ऐसा ही हुआ, कहीं ना कहीं उसका एक बार कुछ हार्डली बहुत कम परसेंटेज से रुक रहा था उसका, पर एनी हाउ उसने उस बंजर में भी पौधा लगा दिया। मैं मानता हूं, आज भी बोलता हूं, मैं जब भी वो मिलता है, जब भी गुरु पूर्णिमा पे जब उसका मैसेज वगैरह आते हैं तो मैं इनके साथ इंटरेक्ट करता हूँ और बोलता हूँ कि यार राहुल, तू था तो थोड़ा कम फ्रिक्वेंसी वाला ही, तेरी फ्रिक्वेंसी कम थी। फिर वो बोलता, सर उस कम फ्रिक्वेंसी को मैंने रगड़ रगड़ के इतनी प्रैक्टिस की थी, तभी तो आज मैं एक अच्छा डॉक्टर बन के बैठा हूँ। वहां कहाँ, इंदौर में कहीं है किसी हॉस्पिटल में भी वो। फिर बोलता हूँ, फिर हंसते हुए बोलता हूँ, हाँ डेफिनेटली तूने रगड़ के प्रैक्टिस करके उस बंजर में भी पौधे तो उगा दिए, और स्टिल उस पौधे से अब जो फल निकल रहा है तेरे बच्चों को तू बहुत अच्छे से देगा। तो बंजर में ये बात मतलब बोलने की नहीं है, ये वाकई में एग्जिस्ट करती है कि बंजर में भी फिर फल निकलेगा। मेहनत कर, पौधों को पानी दे, बंजर में भी फिर फल निकलेगा। ताकत जुटा, हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। हिम्मत हिम्मत हिम्मत, डोंट गिव अप, गिव अप मत करो, गिव अप मत करो। अरुंधति, आई होप कि नाम सबने सुना होगा, ट्रेन से बाय फॉल्ट मतलब कुछ लोगों की बदमाशी से लड़ते लड़ते गिर गई थी चलती ट्रेन में से, पैर वेर कट गए उसके, वहां डैमेज हो गए सारे सेल्स पैर के दोनों तरफ से। कई घंटों तक पड़ी रही वहां उसके ऊपर, सारे चीटियां और मक्खियां भिनभिना रही सब, मतलब खून पे लथपथे पैर, कई घंटों तक ऐसी पड़ी रही थी। फिर कुछ लोग उसे आए और जब उसको आया गया वहां से, तो दोनों पैर उसके खराब हो चुके थे, दोनों पैर। पावर तो है यार, आई होप कि सबने देखा होगा अरुंधति को। अरुंधति क्या मतलब माइंड सेटअप, क्या सेटअप था, दोनों पैर खराब हो चुके हैं, नकली पैर बनवा कर एवरेस्ट चढ़ना यार, एवरेस्ट भाई, दोनों पैर रखकर भी हम सपने में भी नहीं सोच सकते कि यार, या मुंबई में कहीं माथेरान जाके किसी एक पहाड़ पे चढ़ जाएंगे, वो भी नहीं, वो तो एवरेस्ट जिसपे उसके दोनों पैर खराब है, उसके बाद उसने उस चीज को बनाया है। तो यानी ये बोलने की बातें नहीं होती, कविता की बातें नहीं जो लिख के चले गए, वाकई में एग्जिस्ट करती है। ताकत जुटा, हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। सीने में उम्मीदों को जिंदा रख, समंदर से भी कुछ थमा थमा है चल निकलेगा। समंदर में भी कुछ थमा थमा है चल निकलेगा, कहीं ना कहीं गंगा जल निकलेगा। कोशिश जारी रख, कुछ कर गुजरने की, जो कुछ थमा थमा है चल निकलेगा। कोशिश कर, हल निकलेगा, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ कल निकलेगा। कल के बाद नया कल नहीं करूंगा, कोशिश कर, हल तो निकलेगा। टीचरों की जान खा जा, इतने सारे टीचर तुझे अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर अगर अवेलेबल हो रहे हैं, वो भी इतनी सिंपल सी नॉमिनल फी, यार बहुत कम फीस है ये। मैं हर बार अपने लेक्चर में बोलता हूँ, ऑफलाइन केसेस में आओ, देखो मुंबई में, देखो जितनी भी इंस्टीट्यूट है, कहीं भी जाओ यार, मुंबई छोड़ो, आज पूरे इंडिया में जहां जहां ऑफलाइन इंस्टीट्यूट होती है, अरे क्या अमाउंट ऑफ फीस ली जा रही है, मिनिमम 4 लाख तो बनता ही है 2 साल का। यहाँ पर 24 महीने की जो फी है आपके लिए नीट पर, वो मात्र 10%, अगर किसी मेरा प्रोमो कोड या किसी भी टीचर का प्रोमो कोड यूज करते हो तो आपको 10% ऑफ के बाद 24,000 समथिंग में वो अवेलेबल हो जाता है, इतनी कम फीस में अवेलेबल हो जाता है यार, 4 लाख 5 लाख का अमाउंट कंपेरिजन में 24,000 में। तो उस अमाउंट में अगर इतने अच्छे अच्छे फैकल्टीज आपको अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हैं, तो उनको नीचे छोड़ के रख दो ना, एक एक को पीछे पड़ जाया करो, बोले सर ये वाला डाउट, सर ये वाला डाउट, अपने डाउट को पूरा अच्छे से क्लियर करवाओ, और उसके बाद फिर अपनी जो 2020 प्रॉब्लम की है, अगर 20 प्रॉब्लम आप नहीं लगा पा रहे हो तो एक लोअर लिमिट करो, 20 को डिक्रीज करके 15 बना लो, अगर 15 का भी नहीं हो रहा तो 10 बनाओ, 10 का भी नहीं हो रहा तो 5 का बनाओ, 5 का भी नहीं हो रहा तो कम से कम 2 प्रॉब्लम का तो बनाओ, पर बिना प्रॉब्लम किए 0 वैकेंट को इसी भी दिन को मत जाने दो यार, 0 पर तो दिन निकलना ही नहीं चाहिए कभी। मिनिमम लिमिट, एक लोअर लिमिट फिक्स कर दो,
रात को सोने से पहले देखो, मैंने कहा ना 15 मिनट इन नाइट, 15 मिनट जरूर दो, कि वो लोअर लिमिट आज मैंने कंप्लीट की है कि नहीं। आई टेल यू, ये जिस दिन आज से अगर आदत पड़ गई, आज ही रात से, आई टेल यू, देखना एक हफ्ते में आपका एक अचानक कर्व ऊपर चला जाएगा, आपका रिजल्ट ओरिएंटेशन ऊपर आ जाएगा, आपकी सोच ऊपर जाने लगेगी, नर्वस ब्रेकडाउन पीछे से निकल जाएगा, हट जाएगा, गायब हो जाएगा। सिर्फ ये काम आप करो, ठीक। अभी और भी बहुत सारी बातें हैं जो समझानी है मोटिवेशन के अकॉर्डिंग, बहुत सारी चीजें हैं, कुछ एग्जांपल के थ्रू हम आपको समझा सकते थे, ले सकते हैं, पर एक साथ इतना कुछ अगर बोलेंगे तो वेटेज नहीं मिलेगा, उसका आउटकम बाहर नहीं आएगा। दैट्स व्हाई हमने सिर्फ 1 घंटे का ही अभी रखा है मोटिवेशन सेशन, कहने के लिए, मेरे पास बताने के लिए, उसको एक्टिवेट करवाने के लिए और भी बहुत सारे आवर्स की मुझे जरूरत पड़ेगी, ठीक। पर उसको ग्रेजुअली आई विल टैक आगे लेते रहूंगा मैं। मुझे पता है कि इन दिनों में अचानक कभी कभी घर पर कोई टेस्ट में मेरा परफॉर्मेंस गलत हो जाता है, मार्क्स नहीं आते ना, तो मैं बहुत कुछ उल्टा सोचते हुए नींद में उल्टा सो जाता हूँ, तकिए के ऊपर मुंह रख के, नया नया क्या क्या सोचता हूँ, नहीं मेरे से तो नहीं होगा, मैं तो फूफू में ऐसा हूँ वैसा हूँ। उन बातों से भी हमें आपको बाहर निकालना है, होता है, बिल्कुल होता है बहुत है। अरे पर उन्हीं चीजों को प्लस बना लो, उसी चीज को प्लस बना लो। आज ठीक है मेरे टेस्ट में ऐसा गया, ठीक है देखता हूं मैं अगले टेस्ट में, उस टेस्ट का तो रिकॉर्ड तो निकाल, उस टेस्ट का एनालिसिस तो कर। रात को मुंह बिस्तर में तकिए में छुपा के सोने से, रोने से अच्छा है उस समय उठ जा, अगर नींद नहीं आ रही है, तेरे को बेचैनी हो रही है, तो उस टेस्ट पेपर का एनालिसिस कर, पर क्वेश्चन, वेदर आई कैन डू दिस प्रॉब्लम, यस आई कैन डू, मुझे कॉन्सेप्ट आता था, बट आई डिडंट डू इन एग्जामिनेशन हॉल ड्यूरिंग एग्जाम पेपर, ऐसा एनालिसिस। हाँ दिस क्वेश्चन फंडा ही पता नहीं था, इसका तो आज तक किसी टीचर ने बताया ही नहीं, तो मेरे ऊपर दोष नहीं है, मुझे टीचर का दोष है, उसने मुझे एक केस क्यों नहीं समझाया, सारा दोष टीचर पे डालो, फिर लेक्चर में, भरी लेक्चर में बीच में डिमांड करो कि सर आपने मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर खत्म कर दिया रेगुलर सेशन में, जैसे मेरा 7 to 9 में चल रहा है ना, स्कूल के स्टूडेंट के अकॉर्डिंग पूरा डिटेल में चल रहा है, वो जिस दिन मैं खत्म कर दूं, और फिर आपको लगे अरे सर इस केस की टाइप की प्रॉब्लम तो मेरे से हो ही नहीं रही, आपने बताया नहीं ये केस, तो खा जाओ उसको, भरी सभा में सबके सामने उसको बोलो, क्या आपकी तो जिंदगी उसके हाथ में दी थी ना आपने, कि सर आपने पढ़ाया था उस बेसिस पे, मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को करने वाला था उसी बेसिस पर, मैं काइनेमेटिक्स करने वाला था उसी बेसिस पे, मैं न्यूटन ऑफ मोशन कर रहा था, पर इस ये वाली प्रॉब्लम आपके बताए केस से सॉल्व क्यों नहीं हो रही है, यानी आपने कहीं ना कहीं बेमानी कर दी, मुझे वो केस नहीं दिया। आर गेटिंग माई पॉइंट, अपने ऊपर दोष मत लो, और हाँ जो जो केस दिया है वो अपने ऊपर लेना है कि मैंने इसकी प्रैक्टिस नहीं की थी, दैट्स व्हाई मुझे उस टाइम पे वो याद नहीं आया, कॉन्फिडेंस रख, ठीक। और भी बातें हैं, नेक्स्ट सेशन में मैं लूंगा, 100% लूंगा, एंड माइंड इट, मैं फिर बोल रहा हूं वो जो फर्स्ट सेंटेंस मैंने कहा था, फिर से मैं बोल रहा हूं, उस बात को ध्यान दो, क्या बोला था मैंने स्टार्टिंग में, कि बातें वो होती है जो कानों तक पहुंचे, पर कॉन्सेप्ट वो होती है जो कान के टिम्परिंग मेम्ब्रेन से होते हुए, सेल से होते हुए, न्यूक्लियस से होते हुए, क्रोमोसोम से होते हुए, डीएनए से सीधे हमारे जीन में पहुंचती है। बायो के स्टूडेंट हो इसलिए समझ सकते हो ये बातें, ठीक, भाइयों के स्टूडेंट हो ये बातें समझ में आना चाहिए। बातें तो बहुत सारी सुनने को मिलती है मार्केट में, पर उसमें से अपने काम की बातों को उठा के आगे बढ़ जाना, वो भी एक कला आनी चाहिए। जैसे एक सिंपल सी एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे पूछूं, एक सिंपल सा एग्जाम्पल, मैं मतलब सेशन एंड करने से पहले एक सिंपल सा एग्जाम्पल यहाँ पर पूछता हूँ, कि ह्यूमन ह्यूमन बींग्स, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मैंने बायोलॉजी में सबसे पढ़ा था, ह्यूमन बींग्स टेक इन ऑक्सीजन हम पढ़ते हैं, एंड वी टेक वी गिव आउट द CO2, एवरीवन इज एग्रीड विद दिस सेंटेंस, सब लोग एग्री करते हैं इससे, बेटा बोले एवरीवन एग्रीज, भवानी आर यू देयर, हाँ
एवरीवन एग्रीड, अंकित अंकित से एग्रीड, अंकित 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 पक्का सोच के बोलो क्या ये सही बात है मैं जो बोल रहा हूँ कि ह्यूमन बीइंग्स टेक इन ऑक्सीजन एंड टेक एंड गिव आउट द CO2, क्या ये करेक्ट सेंटेंस है? अनिकेत अंकित एवरीवन फिर से बोलो, सोच के बोलो, मैं फिर बोल रहा हूँ, ध्यान से सोचो, ऑल ह्यूमन बीइंग्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट CO2, ब्रीथ इन O2, ब्रीथ आउट CO2, इज दिस अ करेक्ट सेंटेंस व्हाट आई सेड? प्रॉपर सोच के बोलो अनिकेत, तुम तो इंजीनियरिंग वाला, अच्छा नहीं तुम भी, हाँ अरे तुम भी मेडिकल के, यस यस, तुम्हारा मैथ्स है साथ में, शायद तुमने ऐसा कहा था, पर तुम्हारा मेडिकल है, तुम मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, बेटा मेडिकल वाला स्टूडेंट कभी कभी सेंटेंस को करेक्ट नहीं कहेगा यार, मेरा सेंटेंस सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, ह्यूमन बींग्स टेक इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट द CO2, अंकित व्हाई नॉट एग्जैक्टली, व्हाई नॉट एग्जैक्टली, व्हाई नॉट? आया बच्चा, पकड़ा, बच्चे ने पकड़ी कॉन्सेप्ट, मैंने कहा ना कॉन्सेप्ट बातें वो होती हैं जो कान तक पहुंचती है बंधु, पर कॉन्सेप्ट वो होती है जो कान के टिम्परिंग मेम्ब्रेन से होते हुए, सेल से होते हुए, न्यूक्लियस से होते हुए, क्रोमोसोम से होते हुए, डीएनए से होते हुए जीन तक पहुंचती है, उसे कहते हैं कॉन्सेप्ट, अपनी रगों में, अपने जीन में डाल देना, उसको फैला देना, फिर कभी वहां से निकले नहीं, बोलो बेटा क्या? यस अंकित, नाउ यू गॉट इट। यार अगर ऐसा होता कि हम सिर्फ ऑक्सीजन ही अंदर लेते हैं, तो फिर ये जो इतनी बड़े बड़े केसेस हो गए, आपने कितने केसेस सुन लिए होंगे कि हमारे अर्थ पर भाई कहीं जहरीली गैस, पॉइजन गैस निकली, उससे इतने हजारों लोग मर गए, इतने सारे भोपाल गैस कांड हो गया, इतने सारे आपने सुन रखे हैं, जहरीली गैस भी मेरे पेट में, मेरे अंदर बॉडी में क्यों गई जब मैं सिर्फ ऑक्सीजन ही लेता हूं तो? यानी दैट सेंटेंस वाज रॉन्ग, मैं उसके साथ मिक्सचर ऑफ गैसेस लेता हूं, पर मेरे ह्यूमन बॉडी को उसमें से सिर्फ ऑक्सीजन नेसेसरी थी, सिर्फ उसी को मैं गेन करता हूं, उसी को यूजफुल कन्वर्ट करता हूं यूजफुल में। तो ऐसे सुनने को बहुत कुछ मिलता है, कई फैकल्टीज की बातें हैं, फैकल्टीज भी कई बार कुछ उल्टा सीधा बोल जाते हैं, और उसमें से सिर्फ अपने काम की आइटम निकाल लेना और अपने पास रखना, दैट इज द एस्पेक्ट, दैट इज द बेस्ट वे फॉर स्टडी। मैं आपको ज्यादातर एग्जाम्पल वही ले रहा हूँ जो मेडिकल स्टूडेंट समझ सकता है, नॉट ए डॉक्टर, मेरा बायोलॉजी सब्जेक्ट कभी नहीं रहा, मुझे बहुत डर लगता है इन चीजों को याद करने से, माइटोकॉन्ड्रिया एंड पैनक्रियास एंड क्या क्या अजीब से नाम थे, बहुत मुश्किल से रटे थे मैंने 10th क्लास तक उन सब चीजों को, पर उसके बाद कभी नहीं, पर फिर भी बहुत कुछ एग्जाम्पल इस तरह से मैंने सुने हैं। एंड आज फिर लास्ट में एक चीज जरा बोल दूं, पहले स्पेशली प्लीज CBSE टेक्स्ट बुक, CBSE रेफरेंस बुक चाटना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, CBSE टेक्स्ट बुक का दामन नहीं छोड़ना है, पूरा पेपर CBSE बोर्ड को फॉलो करेगा, CBSE बोर्ड से ही बनता है, कई सालों से ऐसा होते आ रहा है, सिर्फ नीट एग्जाम का नहीं, इंजीनियरिंग एग्जाम का भी पैटर्न यही है, CBSE बोर्ड को ही फॉलो करता है, पेपर बनाने वाले लोग CBSE बोर्ड को फॉलो करेंगे, तो आप CBSE टेक्स्ट बुक की तो एक एक लाइन पढ़ेंगे, और कम से कम बॉटनी जूलॉजी तो पूरा निचोड़ के पढ़ेंगे, उसमें से एक भी चीज छुटना नहीं चाहिए बॉटनी जूलॉजी का, उसमें से CBSE टेक्स्ट बुक और उनके रेफरेंस बुक, मेरे फिजिक्स की भी प्रॉब्लम उसी में से करो, अगर रेफरेंस बुक पकड़ लेते हो, अगर आपके पास है अवेलेबल, डोंट वरी, अदरवाइज आई विल पुट द PDF, मैं जल्दी, आप लोग जो बोल रहे थे कहाँ पे एक वो डेवलप करना है ग्रुप, वहां पर आपको मैं PDF डालते जाता हूँ। ठीक है चलेगा अंकित, नो प्रॉब्लम, मैंने कहा ना स्पेशली बॉटनी जूलॉजी आई वॉन्ट, स्पेशली वो तो करना ही है, NCERT की एक एक लाइन को प्रॉपर कान में हमेशा पेंसिल लगा के रखनी, बुक पे फटाक से उस पर अंडरलाइन किया, एक एक लाइन को प्रॉपरली पढ़ना है, उसको चार जाना है, वहीं से क्वेश्चन का ओरिएंटेशन बनता है, फिजिक्स केमिस्ट्री तो ठीक है, जो केसेस हम बना के दे रहे हैं ओके दैट्स इनफ, हमने उसी में से सारे केसेस बनाए हैं, उनके सारे केसेस को मिलाकर और पिछले सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन को मिलाकर एक नया डेवलपमेंट किया है, टेक्निकल पॉइंट डेवलप किए हैं, तो उसको फॉलो किया तो मच इनफ, मच इनफ। ठीक, आज मैं बहुत भयानक थका हुआ था एक्चुअली, पिछले 2 दिन से मैं
मुंबई में नहीं, मैंने रिसाइड्स इन मुंबई, पर मैं अपने नेटिव प्लेस पे गया हुआ था इंदौर। मैंने बताया था आपको पिछले लेक्चर में भी, लंबी ड्राइव करके आया हूँ, नियरली 655 किलोमीटर्स रन हुआ है मेरा ड्राइविंग का। और ऐसा जबरदस्त बीच में पानी ठंडा पीने में आ गया और उसने गले की वाट लगा दी है। तुम लोग भी ध्यान दो सब लोग, मैं अभी एक सेशन लूंगा आपके खाने पीने का, कैसे लेना है, किस तरह से करना है। पर आई होप कि तुम तो बायो वाले, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आता है। पानी अभी तुम लोग जहां तो खो सके, जहां तो हो सके थोड़ा कुनकुना गर्म करके ही रखा करो अपनी टेबल पर, थोड़ा कुनकुना पानी ही अंदर जाने दो, शेलो बॉइल्ड, थोड़ा सा गर्म, हल्का सा गर्म, हल्का सा गर्म बोल रहा हूं मैं, हल्का सा ठंडा नहीं, हल्का सा गर्म, गर्म किया हुआ पानी वही बॉडी में जाने दिया करो। आई टेल यू, देखना आपकी इफिशियंसी बढ़ेगी अगर दिन भर ऐसा ही पानी पेट के अंदर गया ना। अब वो समझाऊंगा उसको एक अलग दूसरे सेशन में, आपको बताऊंगा उसका यूजफुलनेस क्या है। ठीक, टुडे आई एम स्टॉपिंग द सेशन। ध्यान रखो जो जो मैंने तरीका बताया, वो कॉन्सेप्ट लर्न करने का तरीका ध्यान रखना, लिखने का पहले मन से लिखना, मैं फिर बोल रहा हूँ पहले मन से लिखना उस टॉपिक के बारे में, क्या क्या मुझे याद आ रहा है पिछले 3 साल में मैंने क्या क्या किया था उस टॉपिक को, फिर अपनी पोथी पुराण निकालना और उसमें से चेक करना अपनी बुक में से, अपनी नोटबुक में से, कि क्या मुझे मिस हो गया, क्यों नहीं याद आया ये वाला कॉन्सेप्ट। अगर अभी याद नहीं आया था तो मुझे एग्जामिनेशन में किसी क्वेश्चन को पढ़ते समय भी ये वाला कॉन्सेप्ट याद नहीं आता, तो उसे कहते हैं प्रॉपर रिवीजन। ठीक, चलो दैट्स ऑल फॉर द डे, गुड डे एवरीवन, फॉलो करो बस, टीचर्स को फॉलो करो।